मॉर्निंग एवरीवन, आज है मेरा मेहंदी, फिर आई बड़ो भात एंड देन रात को संगीत। तो अभी मेहंदी के लिए जो मेहंदी आर्टिस्ट है वो कुछ ही देर में आने वाली है। एक संगीत के लिए मैं रेडी हो जाऊंगी और उसी आउटफिट में मेरा आई बड़ो भात भी होगा, क्योंकि मेहंदी एक बार लगाकर मैं चेंज नहीं कर सकती। और उस मेहंदी आर्टिस्ट का शाम को अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक्ड था, इसीलिए मुझे शाम को नहीं मिला, इसीलिए मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग ही मेहंदी मैंने आर्टिस्ट को बुक कर लिया था। सो लेट्स सी, अभी तक तो मेरी छोटी मासी, मेरे छोटे मौसा जो है, जो दिल्ली में रहते हैं सभी, और मेरी छोटी मासी की जो छोटी बेटी है, मतलब स्नेहा, वो आ गए हैं। लेकिन जो सिनिन दीदी है, जिनकी शादी पर मैं गई थी और इंगेजमेंट में भी जो आई थी ना, तो वो नहीं आई, वो शायद नहीं आ पाएगी। बट सो लेट्स सी, अभी वो मेहंदी आर्टिस्ट कुछ ही देर में आने वाली है और अभी आई बड़ो भात के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। मेरी छोटी मासी, मम्मी, फिर मेरे जो मौसा जी है, पापा, मेरी दीदी, सभी मिलकर बहुत ही ज्यादा यू नो काम कर रहे हैं। तो एकदम शादी वाला घर लग रहा है अभी फाइनली। वैसे तो आई बड़ो भात व्लॉग जो मैंने प्रीवियसली शेयर किया था, उसमें आप लोगों ने देखा कि हम दोनों को एक साथ आई बड़ो भात मेरी फैमिली ने सरप्राइज दिया था। लेकिन जो एक बंगाली ऑथेंटिक एक वेडिंग रिचुअल है, वो लड़की का लास्ट मील होता है अपने घर में, तो इसीलिए ये मेरा ऑफिशियल आई बड़ो भात है, जो कि ऑफिशियल लास्ट मील है मेरे घर में, जो मेरी फैमिली तैयार करके मुझे खिलाएगी। सो अपने वेडिंग के लिए मैंने कोई भी मेकअप आर्टिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट को बुक नहीं किया था, तो इसीलिए मैं खुद ही रेडी हो रही थी। एंड दिस इज द मेकअप किट जो मैंने प्रिपेयर किया है फॉर ऑल द वेडिंग फंक्शंस एंड फॉर द बिग डे। और ये मैं गेट रेडी विद मी शूट कर रही थी उस वक्त, एंड जब मैं शूट कर रही थी उस टाइम क्या हुआ, बड़ा सा सरप्राइज मिला मुझे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी जो मासी है, जो दिल्ली से आई है, उनकी जो बड़ी बेटी है वो नहीं आई, बट शी वॉज ऑलरेडी ऑन हर वे, और मुझे ये नहीं पता था, वो मुझे बिल्कुल सरप्राइज देने वाली थी। एंड इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे उस वक्त और उनका यहाँ आना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद हर, जो कि बहुत अनयूजल है क्योंकि वो मेरे से बड़ी है, बट स्टिल शी इज़ जस्ट लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, और काफ़ी अच्छा रिलेशन है हम दोनों का, एंड शी इज़ वेरी क्लोज टू मी। तो मैं चाहती थी कि वो मेरे स्पेशल डे पर रहे, और शादी के वक्त लड़कियाँ इमोशनल तो हो ही जाते हैं, सो आई रियली वॉन्टेड कि वो मेरे साथ रहे मेरे स्पेशल डेज पर, बट वो नहीं आ पा रहे थे, एंड जेन्युइन प्रॉब्लम थी, जेन्युइन रीजंस थे, तो आई अंडरस्टूड दैट थिंग। बट जब वो आई ना, आई के नॉट कंट्रोल माई टीयर्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, एंड इट वॉज द बिगेस्ट सरप्राइज। एंड थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर रिकॉर्डिंग दिस, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल एक मोमेंट है। तो क्या हुआ वो आप लोग अभी देखिए। रुक जा, मेकअप तो खाना पड़ जाए, मेकअप तो मुझे खाना पड़े। सो अभी एक हाथ कंप्लीट हो चुका है और अभी दूसरा हाथ है, अभी इसका बैक साइड भी बाकी है। सो इतना ही लेंथ मैंने रखा है, ज़्यादा लेंथ मुझे नहीं चाहिए था, बस इतना ही लेंथ चाहिए, और अभी टिप्स एंड ऑल सब फिल करना भी बाकी है।
और मेरे हाथों पर मेहंदी लगी थी, इसीलिए स्नेहा मुझे तैयार कर रही थी और फिर वो दुपट्टा एंड ऑल सब कुछ बार बार सेट कर रही थी, क्योंकि पिन वगैरह तो नहीं लगाया था तो बार बार वो सेट किए जा रही थी। एंड दीज आर द प्रिपरेशंस फॉर आई बड़ो भात, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने घर पे सब कुछ प्रिपेयर किया है, और ये मुर्ग मसलम जो कि मेरी दीदी ने स्पेशली मेरे लिए प्रिपेयर किया है, क्योंकि मुझे मुर्ग मसलम बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है जोरो की थाली, चांदी की चम्मच में, और वो चांदी के कटोरी में जो खीर है वही हम लोग उसे खिलाएंगे। मेरी जब जिस दिन मेरी आई बड़ो भात घर पे सेलिब्रेट किया था, उसी दिन जोरो का भी मुखे भात जो होता है बंगाली रिचुअल, तो वो भी हुआ था उस दिन। बस हमने थोड़ा थोड़ा करके जो खीर का जो मिल्क होता है वही उसको थोड़ा थोड़ा करके सबने खिलाया, जस्ट फॉर द रिचुअल। फोटो की तरह आई बड़ो भात रिचुअल के बाद मैं यहाँ पर लंच कर रही थी, तो छोटी हम तीनों को एक साथ एक ही थाली से खिला रही थी, सो दैट वाज वेरी स्पेशल। इसके बाद हमें जाना था वेन्यू पे जहाँ पर होगी मेरी मेहंदी और संगीत, सो वी वेर फुल रेडी। अभी हम लोग वेन्यू पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे डेकोरेशन अभी तक हुआ नहीं है, जो कि उन लोगों ने किसी और जगह पर कर दी है बाय मिस्टेक। तो अभी वो लोग आएंगे और वो लोग वो जो सेटअप है वो फिर से यहाँ पर होगा। तो अभी तो मैं डांस भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी मैं दीदी सिनिन दीदी और स्नेहा ही सिर्फ है यहाँ पे, और सिनिन दीदी ने मुझे सरप्राइज दिया है तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये जो बैकड्रॉप है
इसे फिट करना है इस वाले वॉल पर, तो यही काम चल रहा था। बट लकीली हम सब घर वालों के आने से पहले और जिनको इनवाइट किया था उनके आने से पहले वेन्यू पे पहुंच गए थे, ताकि हमें पता चला कि स्यापा हो गया है एंड हमें ठीक करने का टाइम मिल गया। मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी उस वक्त, बट लकीली उन लोगों ने काफ़ी जल्दी जल्दी काम किया और जो हमारा बैकड्रॉप है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी ऑन टाइम। जब तक अंदर ये सब चल रहा था हम लोग बाहर थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर रहे थे और ये सिनिन दीदी है उनका फोटोशूट हो रहा था उस दिन। बाय द वे सब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे थे एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा सबको देखकर। एंड ये जो क्लिप है ना, ये हमारे संगीत फंक्शन की क्लिप है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मेरा संगीत सेरेमनी शेयर करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय।